नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो सेशन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या किया था, आपका क्लोरीन गैस का विरेचन कराया था या Cl2 का विरेचन कराया था, उसके गुण देखा था और उसके जो है हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से उसके रंग के आधार पर उसका नामकरण किया गया, किसने उसको सर्वप्रथम खोजा, मतलब किस प्रकार से अभिक्रिया से बनाया और इसके बाद उसका फिर किस लिए जो है किस बेसिस पे उसका नामकरण किया गया। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो लेक्चर पे बात कर लिया था। अच्छा हाँ, एक बात और, मैंने आपसे पूछा था कि कुछ समीकरण संतुलित करने के लिए तो वहां पर कुछ एक या दो लोगों को छोड़ करके जितने भी बच्चों ने रिप्लाई किया था कमेंट का, तो सही बिल्कुल रिप्लाई किया था, यानी कि आप पढ़ रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है जितने बच्चों ने रिप्लाई किया उतने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो भैया बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं क्या? भैया कम से कम इतना तो कर लिया करिए, जो थोड़ा बहुत आपको होमवर्क दिया जाता है एक आध काम तो देता हूँ, और वो भी आप लोग नहीं करें तो ये तो गलत बात है ना। ठीक है, तो कोशिश किया करिए जितना भी आपको होमवर्क मिले, ठीक है, जब भी आपको समय मिले तुरंत आप उसको करिए और कर करके उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर कर दिया करिए। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमें पढ़ना है दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड का विरचन। किसका पढ़ना है? हाइड्रोजन क्लोराइड का विरचन, यानी कि हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड को देखेंगे कि किस प्रकार से इसको सर्वप्रथम बनाया गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या किया गया, प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है, यह सारी चीजें आज हमें इस वीडियो सेशन में देखना है। इसके गुण क्या क्या हैं, मतलब चाहे वह रासायनिक गुण हो चाहे वह भौतिक गुण हो, दोनों को मिला करके देखेंगे। इसके साथ साथ इसका उपयोग भी देखेंगे। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोराइड का विरचन, इसमें आपका अधिकतर जो आता है शॉर्ट नोट में आता है, तो शॉर्ट नोट में आपसे पूछ लिया जाता है या तो इसका उपयोग या फिर इसके जो है कुछ एक गुण अथवा जो है इसका विरचन का तरीका। विरचन का तरीका सिंपल है। ठीक है, एक विधि तो मैंने आपको पिछले कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो आपका क्लोरीन होता है वह हाइड्रोकार्बन से क्रिया करके HCl का निर्माण करता है, एक बात मैंने बताई थी आपको। ठीक है, दूसरा आपका जो हाइड्रोजन गैस होता है वह क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, HCl का निर्माण करता है। तो दो तरीके तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक और पॉपुलर तरीका है जिससे हम लोग जो है HCl का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वह पॉपुलर तरीका कौन सा है। तो सन 1648 में ग्लेबर ने क्या किया था, ग्लेबर ने बताया कि जो हमारा खाने वाला नमक होता है, यानी कि साधारण नमक, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला नमक बोलते हैं साधारण नमक को। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, NaCl, क्या होता है, NaCl। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कितना आप लोगों को आता है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई दीजिए। टेबल साल्ट जो होता है, इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, टेबल साल्ट। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, टेबल साल्ट का फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए टेबल साल्ट का फार्मूला क्या होता है। साथ ही साथ एक और कमेंट करिएगा टेबल शुगर का। ठीक है, टेबल शुगर, ठीक है, आप लोग इन दोनों का जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इनका फार्मूला क्या होता है सभी लोग। ठीक है, आप लोगों के लिए एक आज का होमवर्क है। तो अच्छा, दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि जब 1648 में ग्लेबर ने क्या किया, बताया कि जब आपका जो साधारण नमक होता है यानी कि जो NaCl होता है, यह NaCl क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और HCl प्रदान करता है। बात समझ में आई? तो जो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड जो यह अम्ल है, हाइड्रोजन भाई यह क्या है, अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब प्रबल अम्ल है। तो यह जो अम्ल होगा हमें कैसे प्राप्त हुआ, सन 1648 में ग्लेबर ने बताया कि जब हम लोग साधारण नमक की क्रिया किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है।
बात समझ में आई। तो सर्वप्रथम इसको जो है इसी इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड को किस क्रिया के माध्यम से पता लगाया गया, किसने बताया, तो बताया गया कि टेबल सुगर या साधारण नमक को यानी कि NaCl की क्रिया जब हम लोग किससे कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होता है, HCl की प्राप्ति होती है, जो कि क्या है, अम्ल है, प्रबल अम्लीय है, ठीक है। इसके अलावा 1810 के आसपास, कब, 1810, ठीक है, 1810 में किसने, साइंटिस्ट डेवी। अभी तक मैंने इसके पहले जब ये वाली रिएक्शन बताई थी तो आपको बताया था 1648 में किसने, ग्लेबर ने, ठीक है, ये चीज बताया था। साधारण नमक की क्रिया आप किसके साथ करा रहे थे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे थे, तब आपको जो हाइड्रोजन क्लोराइड की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन साइंटिस्ट डेवी ने बताया बाद में, कब, 1810 में, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वह हाइड्रोजन व क्लोरीन का यौगिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन व क्लोरीन का यौगिक होता है, पासन में भी है। किसने बताया, साइंटिस्ट डेवी ने बताया। कब बताया, 1810 में बताया। क्या बताया, कि जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वह हाइड्रोजन व क्लोरीन का क्या है, यौगिक है। यह आपका हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, क्लोरीन क्या है, तत्व है, और दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, यौगिक बना लेंगे। तो वही जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक यौगिक है। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आई ना भैया, कमेंट करके बताइए समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या किया गया, हमें इसका पढ़ना है विरचन। देखिए मैं एग्जैक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जो आपका सिलेबस है, एक भी अक्षर ना आगे जाता हूँ ना एक भी अक्षर छोड़ता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको जितना आपके सिलेबस में है जो काम की चीजें वही पढ़नी है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके लिए बहुत समय है, ठीक है, अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो अभी आप लोग बस सीखिए। आपका एक टारगेट है, अच्छे मार्क के साथ आपको इंटरमीडिएट क्रॉस करना है, इस वजह से मैं आपका सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज पढ़ाने को तो मैं इस पर कम से कम 1.5 या 2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ इसके सिर्फ निर्माण के विषय में, लेकिन नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों, अभी मैंने आपको जैसा पहले ही बता दिया कि दो विधि तो आपको ऑलरेडी पता है, चीज़ें आपको बहुत पहले से ही पता है, जो पिछले वीडियो सेशन में आप लोगों ने पढ़ा है वही सब मैक्सिमम चीज़ें हैं। मान के चलिए कि 40% चीज़ें तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं किसी न किसी चैप्टर में, बस 60% उसका इधर उधर कर करके पढ़ना है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं फालतू का टाइम वहां नहीं वेस्ट करके हम आपके टॉपिक पर चलते हैं, आपके एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, एक सीमित समय में आप लोग अच्छा मेहनत करके अच्छे नंबर के साथ पास हो सके, ठीक है। चलिए हमें अब क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन क्लोराइड का विरचन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन क्लोराइड का विरचन। तो भैया प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, प्रयोगशाला जानते हैं ना भैया, लेबोरेटरी जिसे आप लोग लैब बोलते हैं, प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है भैया, यही जो ग्लेबर ने बताया था यही विधि अपनाई जाती है लेबोरेटरी में बनाने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए साधारण नमक यानी कि भैया NaCl की क्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है ठीक है। जब
NaCl की क्रिया H2SO4 के साथ कराई जाएगी तो आपको क्या प्राप्त होगा, HCl प्राप्त होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होगा। किस प्रकार से प्राप्त होगा, आइए हम लोग रिएक्शन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या बताया गया, Na ये आपका Cl भाई, Na और Cl। अब बताया गया NaCl की क्रिया किसके साथ कराई जाएगी, H2SO4 के साथ। तो देखिए H2SO4 को HSO4 लिख सकते हैं कि नहीं, H बॉन्ड HSO4 लिख सकते हैं नहीं H2SO4 को, भैया लिख सकते हैं। क्यों, यहां से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को जो है थोड़ा सा यहां से एक अलग बना करके लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है H2SO4 को लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या किया गया, 423 डिग्री केल्विन टेम्परेचर दिया गया, कितना दिया गया 423 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। कहां पर किया जा रहा है, यह लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में किया जा रहा है। अब देखिए यहां जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन जाकर के क्लोरीन सोडियम क्लोराइड के क्लोरीन से क्रिया कर ले, भाई सोडियम क्लोराइड ही तो है ये, सोडियम क्लोराइड के क्लोरीन से एक हाइड्रोजन क्रिया कर लेता है और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, क्या बना लेगा, HCl। अच्छा बचा क्या है यहां पे, HSO4 बचा है और यहाँ पे Na बचा है, सीधा सीधा मिला के लिख दीजिए तो क्या हो गया, NaHSO4 क्या मिल गया आपको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की प्राप्ति हो गई, और क्या मिल गया आपको, HCl मिल गया, ठीक है। अब यही तो आपको बना रहे थे, यही तो आप लोग बना रहे थे, ठीक है। कम मात्रा में प्राप्त होता है, अब ये यह क्या होता है, कम मात्रा में हाइड्रोजन क्लोराइड की प्राप्ति होती है। अब आप लोग जो यहां पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ है, एक बार इसकी रिएक्शन फिर से आप लोग किसके साथ कराते हैं, NaCl के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे, NaCl के साथ कराएंगे। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, NaCl के साथ, यह आपका NaCl, इसकी रिएक्शन फिर किससे कराते हैं, NaHSO4 से कराते हैं। किससे कराते हैं, NaHSO4 से कराते हैं। अच्छा इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां से थोड़ा सा जो हम लोग इसको NaHSO4 को हम लोग लिख सकते हैं HNaSO4 लिख सकते हैं कि नहीं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। NaHSO4 था, थोड़ा सा हमने सीरियल को आगे पीछे कर दिया। अब यहां से क्या होता है, यहां से एक बार फिर से यह हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करता है और बना लेता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा इसके लिए 840 डिग्री केल्विन के आसपास का टेम्परेचर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, 840 डिग्री केल्विन के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। अभी अभी आपको बताया गया कि यहाँ सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कराई जाती है, तो जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का हाइड्रोजन होता है वह सोडियम क्लोराइड के क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, HCl बना लेता है, क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। अच्छा भैया अब देखिए अगर यहाँ से HCl निकल गया तो बचा क्या, एक Na यहाँ, एक Na यहाँ, कितने Na हो गए, दो Na, यानी कि Na2 कितने हो गए, Na2, बाकी क्या, SO4। तो आपको Na2SO4 भी साथ साथ में प्राप्त हो जाता है। तो अब देखते हैं कि हम लोग जब ये रिएक्शन कराते हैं, दूसरा वाला सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जब हम लोग पुनः जो है सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो हमें एक्सेस अमाउंट में आपको क्या प्राप्त होता है, HCl की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को इतनी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। यह है इसके विरचन की विधि है, बहुत ही पॉपुलर विधि है। तो आप लोग एक बार क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट गया हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने, ठीक है, आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्या बात करते हैं, इसके गुण की बात करते हैं, किसके गुण की बात करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के गुण की बात करते हैं, ठीक है। तो भैया हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है यह क्या होता है, देखिए एक तो अम्लीय प्रकृति का होगा, क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, इसका मतलब अम्ल ही तो होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, कैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि साइंटिस्ट ग्लेवर ने 1648 में इसको प्राप्त किया था, कैसे, सोडियम क्लोराइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई थी, ठीक है। तो वहां पे हमने बता दिया था कि अम्ल की प्राप्ति होती है, तो वही तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक। तो यह इसका नेचर कैसा हो गया, अम्लीय हो गया, यानी कि यह अम्ल हो गया, पहली बात। दूसरी चीज क्या है,
कि यह कैसा होता है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड कैसा होता है, कलर रंगहीन होता है, कैसा होता है, रंगहीन होता है। अच्छा अवस्था कौन सी होती है, गैसियस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है बात समझ में आई, तो गैसियस अवस्था में पाया जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या होता है, जल में बहुत ही अत्यधिक तेजी के साथ विलय है, ठीक है, तो जल में क्या करता है, तेजी के साथ घुल जाता है। जब जल में तेजी के साथ घुल जाता है तो इसके बाद फिर इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जो इसका डिसोसिएशन वियोजन स्थिरांक होता है, वह होता है 10^7, यानी कि मैक्सिमम है। इसका मतलब यह क्या है, जब डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि यह जो है प्रबल अम्लीय है, क्या है, प्रबल अम्लीय है, ठीक है। इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आपका हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, प्रबल अम्लीय होता है। अच्छा अभी अभी मैंने बताया कि जल में घुल जाता है तेजी के साथ। अच्छा जब जल में घुलित अवस्था में अगर यह रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल में घुलित अवस्था में अगर हाइड्रोजन क्लोराइड रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भैया जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, अगर वो जल में घुलित अवस्था में पाया था, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, अभी हमने पूछा, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब जल होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। कब, जैसे कि हमने बताया कि जब यह जल में घुला होता है, घुलित अवस्था में पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए मिटा दे रहे हैं, अब इसके बाद इसके रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों गुण की अभी हमने आपसे चर्चा की थी, ठीक है, तो एक बार मैंने लिख भी दिया सारी प्रॉपर्टी को, आइए रिपीट कर लेते हैं। तो गंध कैसा होगा, सॉरी रंग कैसा होगा, रंगहीन होगा, मतलब कलरलेस होगा, कौन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, कैसा होगा, कलरलेस होगा, यानी कि किसी कलर का नहीं होता है। अच्छा एक चीज और, मैं आपको कल क्लोरीन पढ़ाया था, तो क्लोरीन को हमने बताया था कि कैसा होता है रंग उसका, हरित पीला होता है, ठीक है। क्लोरीन शब्द ही क्लोरस, ग्रीक भाषा के शब्द क्लोरस से उत्पत्ति हुई है, और क्लोरस का मतलब क्या होता है, हरित पीला ही होता है, ठीक है, यानी कि पीला हरा होता था आपका क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, रंगहीन है, कलरलेस है। अच्छा गंध कैसी थी उसमें, याद करिए क्लोरीन में, क्लोरीन में गंध कैसी थी, पंजेंट थी, तीक्ष्ण थी, यहां पर भी गंध कैसी है, तीक्ष्ण है, ठीक है, यानी कि कलर क्या है, कलर में डिफरेंसेस है, लेकिन आपका गंध कैसा है, तीक्ष्ण ही है। इसके अलावा हमने बताया था क्लोरीन भी गैसियस अवस्था में पाई जाती थी, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड भी कैसा होगा, गैसियस अवस्था में पाया जाएगा, बात समझ में। देखिए तुलना करके पढ़ने से क्या होता है, चीजें आसानी के साथ याद हो जाती हैं। इसके अलावा बताया गया किसका जो क्वथनांक होगा वह कितना होगा, लगभग 189 डिग्री केल्विन होता है। अच्छा वहां कितना होता था क्लोरीन का, याद है किसी को, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपका जो है क्वथनांक कितना होता था क्लोरीन का, बताइएगा क्लोरीन का क्वथनांक, ठीक है। अच्छा इसका हिमांक जो होता है 159 डिग्री केल्विन होता है, कितना होता है 159 डिग्री, इसका मतलब इससे कम टेम्परेचर पर यह क्या होता है, क्रिस्टल बनने लगता है। जब 159 डिग्री टेम्परेचर इसको देते हैं तो क्या करने लगता है, क्रिस्टल बनने लगता है, क्रिस्टल मतलब ठोस बनने लगता है, ठीक है, रबा बनने लगता है। और जब इसका क्वथनांक कितना होता है,
बॉयल कहाँ पे करता है, 189 डिग्री केल्विन पर करता है। बात समझ में आई भैया? अच्छा एक चीज और, यह जो है आसानी के साथ द्रवित होने वाली गैस है, ठीक है, यह आसानी के साथ द्रवित होने वाली गैस है, यानी कि बहुत ही कम ताप और कम दाब पर ही आसानी के साथ लिक्विफाई हो जाती है, द्रवित हो जाती है, ठीक है। आसानी के साथ आपका क्लोरीन भी द्रवित हो जा रहा था। तो उम्मीद करते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। आइए हम किसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। जैसे बताया अभी अभी मैंने आपको कि यह जल में विलेय होगा, जल में विलेय होगा। विलेय होने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका HCl होता है वह H2O के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है। तो H3O पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन। अच्छा इसमें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 7। कितनी होती है, 10 की पावर 7 होती है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस ज़्यादा वैल्यू का मतलब हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि जो इसका वियोजन स्थिरांक जो भी है, वियोजन स्थिरांक का इतना ज़्यादा वैल्यू का मतलब यह हो गया कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यह क्या करता है, जल के साथ प्रबल अम्लीय होता है। क्या होता है, जल के साथ प्रबल। देखिए किसी भी रिएक्शन का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा हो तो इसका मतलब यह हो गया कि वह उस विलयन के साथ प्रबल अम्लीय है, अगर कम हो तो दुर्बल अम्लीय है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 10 की पावर 7 कम है कि ज़्यादा, अरे भैया बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब प्रबल अम्लीय होगा जल के साथ, ठीक है। कौन, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा हाइड्रोजन क्लोराइड अगर आपका जल में घुला हो तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपसे पूछा था क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है कह रहा है अमोनिया से आपका जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जब रिएक्शन करता है तो व्हाइट धूम देता है या सफेद कलर का क्या देता है, धूम देता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, देखिए NH3 क्या है आपका, अमोनिया है। अमोनिया की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ करा रहे हैं। अब बताया गया कि जब आपका अमोनिया के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है तो देखिए भैया NH3 और एक H यहाँ से तो क्या हो गया NH4 और यहाँ पे Cl तो हो गया क्या NH4Cl बना लिया, अमोनियम क्लोराइड बना लिया। और यह अमोनियम क्लोराइड किस टाइप का होगा, सफेद कलर का धूम देता है, वाइट कलर का धूम देता है। बात समझ में आई, यानी कि हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनिया के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है जो कि कैसा होता है, सफेद धूम देता है, ठीक है। बात समझ में आई, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया कि जो आपका सोना और प्लेटिनम धातु हैं, ठीक है, यह धातुएं कैसी हैं, अक्रिय धातुएं हैं। कैसी हैं, अक्रिय धातुएं हैं। अक्रिय का मतलब हो गया कि जो क्रिया ना करना चाहे या कम से कम क्रिया करना चाहे, ठीक है, साधारण ताप दाब पर जो है जो आसानी के साथ क्रिया ना करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय बोला जाता है, ठीक। और सोना और प्लेटिनम है क्या, धातु भेद, तभी तो इतना महंगा धातु है सोने का। आप लोग पहनते हैं ना वो चेन वगैरह जो है, अंगूठी वगैरह, ठीक है, आजकल बहुत बढ़ा हुआ है रेट सोने का, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत ही कीमती धातु होती है सोना आपका जो है, प्लेटिनम आपका जो है बहुत ही कीमती धातु होता है। अच्छा एक बात पता है आप लोगों को, कुछ एक ऐसे देश हैं इतने डेवलप्ड हैं कि वहाँ पर सोने का तार, बिजली का जो तार आता है ना, वायर जो होता है, हम लोग के यहाँ एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, फिर इसके बाद जो है आपका देखे ही होगे आप लोग, तो चांदी और सोने का नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक देश हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक या दो देश हैं जहाँ पर सोने का वायर भी प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, सोने का वायर प्रयोग करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है मिनिमम हो जाती है या घट जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लॉस नहीं होता है। फिजिक्स वाले सर आपको शायद बताए भी होंगे, ठीक। तो हमने बताया कि जो सोना व प्लेटिनम होता है यह क्या होता है,
अक्रिय धातु होता है, ठीक है, इसको घोलने के लिए कह रहे हैं एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक्वारेजिया किसे कहते हैं? एक्वारेजिया होता है आपका HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है। अच्छा, ये अनुपात कितना रहेगा? 3:1 का अनुपात रहेगा, यानी कि 3 भाग आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड रहेगा और 1 भाग क्या रहेगा? HNO3 रहेगा, ठीक। तो यह दोनों जब आपस में मिलाते हैं तो जो प्राप्त होता है उसको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं, ठीक है, एक्वारेजिया बोलते हैं। तो चाहे आपका सोना हो चाहे प्लेटिनम हो, इनको घोलने के लिए हम इसी एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? तो आइए एक रिएक्शन के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोग सोने को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AU से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AU से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3 के साथ कर, भैया यही तो है, हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3, इसी को तो आप एक्वारेजिया बोलते हैं। तो इसको हम लिख ले रहे हैं H- भाई, जब ये टूटेगा तो H+ Cl- बनाएगा, ठीक है, प्लस Cl- 4Cl- प्लस आपका HNO3 टूटेगा तो H पॉजिटिव और HNO3 नेगेटिव, तो NO3 नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो आपका ये आपका गोल्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया? गोल्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका जो है H+ आयन हो गया, यहाँ देखिए मिस्टेक हो रहा था, H+ आयन हो गया, यहाँ पे क्लोराइड आयन हो गया, और ये आपका NO3, देखिए इसी को सामूहिक रूप से जब आप लोग मिलाते थे तो एक्वारेजिया बोला जाता था, ठीक है, हमने थोड़ा सा सेपरेटली लिख दिया, इसको आयनिक फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब अगर ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा? AuCl4 बनाएगा, क्या बनाएगा? AuCl4 बनाएगा, ठीक है, AuCl4 बन गया। इसके अलावा क्या बनेगा? NO बनेगा, क्या बनेगा? N और O, ठीक है, क्या बनेगा? NO बनेगा। इसके अलावा क्या बनेगा भाई? इसके अलावा क्या बनेगा? H2, यहां से ऑक्सीजन और यहां से जो आपका H, तो बन जाएगा H2O, जल बन जाएगा, ठीक है। तो जल बन गया, AuCl4 बन गया आपका, NO, अच्छा AuCl4- रहता है, ठीक है, AuCl4-। अब इस रिएक्शन को भी आप लोग क्या करिएगा? बैलेंस कर लीजिएगा। आपका जब जो गोल्ड हुआ, यह जो है हाइड्रोजन क्लोराइड और जो है आपका HNO3, यानी कि जो है दोनों को मिलाएंगे 3:1 में, तो बनता क्या? एक्वारेजिया। इसी एक्वारेजिया के साथ आपका जब गोल्ड मिलता है तो घुलित जाता है या घुलित अवस्था में मिल जाता है, ठीक है। AuCl4 बनाया, NO बनाया और H2O बनाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन संपादित होती है। तो इस तरीके से आपका जो है गोल्ड क्या करता है? घुल जाता है, ठीक। तो आप लोग इस रिएक्शन को क्या करिएगा? बैलेंस कर लीजिएगा, पहला काम आप लोगों के लिए। दूसरा, अभी अभी हमने बताया कि प्लेटिनम भी जो होता है, प्लेटिनम का जो है हम लोग 3 प्लेटिनम लेते हैं, 16H+ आयन ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग 16H+ आयन और आपका जो है क्लोराइड आयन ले लें, ठीक, क्लोराइड आयन ले लेंगे, कितना ले लें? 18, ठीक। इसके अलावा आपका NO3 क्या? 4, NO3- ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब की क्रिया आप लोग जब कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा 3PtCl6-2, ठीक है, माइनस माइनस, प्लस 4NO प्लस में आपका 8H2O, ठीक, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यानी कि हमने बताया कि प्लेटिनम और गोल्ड दोनों कैसे थे? यह जो है अक्रिय धातु थे, ठीक। इनको हम लोगों ने क्या किया? इन दोनों की रिएक्शन एक्वारेजिया के साथ कराई,
ठीक है। तो यहाँ पे एक्वा रेजिया को हम लोग क्या हमने क्या कर दिया, आयनिक फॉर्म में तोड़ दिया है, ठीक है। और जब क्रिया करेगा, गोल्ड क्रिया करेगा, तो AuCl4 बनाएगा, माइनस AuCl4- बनाएगा प्लेटिनम, यानी कि प्लेटिनम अगर धातु क्रिया करेगा तो PtCl6- बनाएगा, ठीक है। और इसके साथ NO बनेगा और जल भी निकल जाएगा। तो ऊपर वाली रिएक्शन को आप लोगों को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं, आइए। चलिए भैया नेक्स्ट आपका केमिकल रिएक्शन है जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, यह क्या करता है, जो भी आपके दुर्बल अम्ल के लवण होते हैं उनको विघटित, दुर्बल अम्ल का लवण जैसे आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसके अलावा कार्बोनेट हो गया, इसके अलावा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, NaHCO3। इसके अलावा आपका सल्फाइट हो गया, जो भी आपका सोडियम का सल्फाइट होता है, ठीक है, तो Na2SO3, ठीक। तो इन सबको क्या करता है, इसको क्या बुलाता है, NaCO3 बोला जाता है, ठीक है, Na2CO3 बोला जाता है, सॉरी Na2CO3। इन सबको, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल के जो है लवण है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, लवण है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह भी लवण है, सोडियम सल्फाइड क्या है, यह भी लवण है। इन सबको क्या कर देता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, विघटित कर देता है, ठीक है। यानी कि जब इसकी क्रिया आपका जो है HCl के साथ कराई जाएगी तो यह इसको तोड़ देगा, किसको तोड़ेगा, इस चीज को तोड़ देगा, यह क्या है, दुर्बल अम्ल है। अच्छा जब टूटेगा तो क्या बना जाएगा आपका, NaCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, साथ ही साथ क्या बन जाएगा आपका, देखिए जहां भी CO3 रहे इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा। इसके अलावा आपका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। H2O बन जाने का मतलब ये हो गया कि यहां पर आप लोग दो हाइड्रोजन है तो यहां पर दो HCl ले लीजिए, ठीक, और यहां पर आप लोग जो है 2NaCl कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब आपका क्या है, दूसरा आपका दुर्बल लवण है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। अब इसका जब हम लोग इसका जब क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl के साथ कराएंगे, तो क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां से Na और ये Cl दोनों मिलके क्या बना लिए, NaCl बना लिए, क्या बना लिए, NaCl बना लिए। हमने बताया है कि जहां पर CO3 हो वहां पर CO2 जरूर निकलेगा, जरूर 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 निकलेगा, ठीक है, और जहां SO3 है वहां SO2 निकलेगा, ठीक है, बात समझ में आई, जहां CO3 है वहां CO2 निकलेगा, जहां SO3 है वहां SO2 निकलेगा, कोई भी रिएक्शन कराइएगा आप लोग, ठीक। कभी भी आपको केमिस्ट्री में अगर ये चीजें मिलती हैं तो आप लोग एक उत्पाद ही अपने आप जैसे ही देखिएगा खटाक से बना लीजिएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, यहां पर आपने CO3 बना दिया, अब बचा क्या भाई, NaCl मिल गया, CO3 निकल गया, बचा क्या, AKH यहां बना, AKH यहां बचा और एक यहां पर ऑक्सीजन बना, इसका मतलब 2H और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O ही तो बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अच्छा रिएक्शन मुझे लग रहा है कि बैलेंस है, अगर आप लोग काउंट कर लें तो एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, दो हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन एक कार्बन, दो हाइड्रोजन एक का ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन और ये दो ऑक्सीजन मिलकर तीन ऑक्सीजन और एक कार्बन, ठीक है। तो यह रिएक्शन बैलेंस है। अगला है आपका सोडियम सल्फाइड, इसकी क्रिया जब आप लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, यहां से देखिएगा एक बार पुनः जो आपका क्लोरीन यहां से क्रिया करता है सोडियम के साथ बना लेगा NaCl, ठीक। अभी अभी मैंने आपको बताया कि SO3 रहता है तो क्या निकलेगा, SO2 निकलेगा, ठीक। अच्छा बचेगा क्या, एक ऑक्सीजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, ठीक है, मिलकर के क्या बना लेंगे,
H2O बना लेंगे। और आप लोगों के लिए दूसरा होमवर्क है, यह रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर नहीं कर पाए समझ लो एकदम से गधे हो, ठीक है, तो गधे मत बनो, लेबोरियस बच्चे बनो, ठीक है। इस रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका उपयोग, किसका उपयोग, इस जो हाइड्रोजन क्लोराइड है तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, औषध निर्माण में करते हैं पहला। दूसरा उपयोग कहाँ पे करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। तीसरा उपयोग इसका हम लोग कहाँ करते हैं, तीसरा उपयोग करते हैं जो आपका अस्थि लकड़ी जो कोयला बनता है, अस्थि कोयला, ठीक है, यानी कि जो हड्डियों से प्राप्त जो कोयला होता है उसके शुद्धिकरण में किया था, उसको शुद्ध करने के लिए जो आप लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यह जो आप लोग का मतलब हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ साइंटिस्ट करते हैं जो है लेबोरेटरी में, बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रीज में जो हड्डियों से प्राप्त कोयला होता है या अस्थि कोयला जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए जो हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और इसका एक अंतिम जो उपयोग है आपका, वह स्टार्च को बनाने में किया जाता है, ठीक। स्टार्च का मतलब आप जो है ग्लूकोज से ले सकते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं, ठीक। तो स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को बनाने में, और मैंने आपको बताया भी है पिछले वीडियो सेशन में कि जब मैं आपको क्लोरीन पढ़ा रहा था कि हाइड्रोकार्बन से जो है क्लोरीन क्रिया करके HCl बनाता था, ठीक है, रिएक्शन पलट दीजिए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्च जो है प्राप्ति की जा सकती है किससे, आपके HCl के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड से स्टार्च की प्राप्ति की जा सकती है। अच्छा, क्लोरीन बनाने के लिए हम लोग जो है HCl का उपयोग करते थे, क्लोरीन बनाने के लिए HCl के साथ क्रिया कराते थे, अगर आपको याद आ रहा हो कल का रिएक्शन, पहला ही मेथड बताया था विरेचन का, ठीक। तो वह जो है हम लोग उसको रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, तो क्लोरीन को निर्माण के लिए जो हम लोग HCl का उपयोग करते हैं, बात समझ में आई, पिछले वीडियो सेशन में बताया था। नेक्स्ट आपका है एक चीज और, इससे बनाया जाता है, अभी अभी इसके जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले वाला रिएक्शन जब आप लोग देख रहे थे, अमोनिया के साथ जब आपका HCl क्रिया करता था तो बनाता था अमोनियम क्लोराइड, ठीक, और वह कैसा होता था, सफेद धूम देता था, ठीक है। तो इन सब के निर्माण में, यानी कि अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में भी जो है आपका HCl प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है, ढेर सारी नई जानकारियां भी मिली होंगी। दोस्तों अब आपका सिर्फ बचता है ऑक्सो अम्ल, इसके कुछ डाई हैलोजन यौगिक बचते हैं, एक लेक्चर ये लगेगा और एक लेक्चर इसके बाद लगेगा आपका जो है 18 वर्ग के तत्व या वर्ग 18 के तत्व को पढ़ाने में, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 2 लेक्चर आपका और बचा हुआ है, इसके बाद जो आपका पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा।